गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अनकट मोमेंट्स। एंड अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हम सो के उठे, तो घर का तो सारा काम हो चुका है। पवन ने बोला कि जूस बना दे, जूस पी लेंगे एंड बाद में कुछ खाएंगे। एंड मेरा भी आज फास्टिंग है, तो फिर मैंने सोची कि चलो जूस बना देती हूँ, पवन का भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा। तो मैंने ऑरेंज जूस बनाया है एंड ये मेरा ऑरेंज जूस है। पवन के इसमें मैंने सॉल्ट ऑर्डर किया, सॉल्ट ऐड किया है एंड मैंने अपने इसमें ऐड नहीं किया है बस। आज दिन काफ़ी लेट आई तो उसकी वजह से पवन का खाना भी लेट हो गया। खैर मेरा तो फास्टिंग है इसलिए मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पवन का खाना लेट हो गया। बट अभी दी रोटी बना देंगी एंड सब्जी एंड सैलड इस सब रेडी हो चुका है, बस पवन को खाना देना है। एंड मैंने अपने ऑफिस का लॉग इन भी कर लिया है, दिस इज़ माई सिस्टम, लॉग इन हो चुका है। एंड गर्मी यहाँ पे, बाहर इतनी भयंकर गर्मी है, ऐसे तो हमारे घर में धूप नहीं आता है ठंडियों के टाइम, बट गर्मियों के टाइम लाइक धूप तो एकदम पूरे रूम तक, हॉल लिविंग एरिया में पूरा धूप रहता है एंड बेडरूम में पूरा धूप रहता है। बस अब मैं पवन को खाना दे कर बैठूँगी, 5 o'clock हमारा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद मैं 3-4 घंटे का कोई ब्रेक नहीं लूँगी। एक बार अच्छे से काम हो जाए मेरा, उसके बाद मैं शाम के लिए अपने लिए साबुदाने की खिचड़ी बनाऊँगी, आज अष्टमी का व्रत है मेरा। पवन का खाना निकाल दिया है मैंने, अब मैं जा रही हूँ बाहर कमर्शियल तक क्योंकि मेरे को साबुदाना लाना है एंड मैं भूल भी गई थी कि मेरे को साबुदाना, मतलब शाम को साबुदाना खाना है। मैं बस अभी जाके लेकर आऊँगी एंड भिगो दूँगी, देखते अभी कितना टाइम होता है उसको भूलने को, वैसे तो जल्दी भीग जाता है, इतना टेंशन नहीं है। 8 बजे तक बनाऊँगी और साथ में भूगा और तरी भी ले आऊँगी घर पर। नाश्ता हो गया, नाश्ता क्या, मैंने साबुदाने की खिचड़ी बनाई थी, मैंने वो ही खाई एंड पवन के लिए तो मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं आज क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। मतलब सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, बस जूस पिया था, ऑरेंज जूस एंड केला खा रहा था मैंने। उसकी वजह से जब मैं साबुदाने की खिचड़ी खाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी एंड मेरे को वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, तो तब से मैं सोई हूँ। एंड अभी बस पवन भी अपना खाना खाए, साबुदाने की खिचड़ी खाए थे वो शाम को एंड अभी खाना खाए और हम लोग अभी वॉक करने के लिए निकले सोसाइटी में। ये हमारे सोसाइटी का न्यू वाला गार्डन है जो अभी रिसेंटली बना हुआ है। ये फाउंटेन है बट ये फाउंटेन ये लोग रात को बंद कर देते हैं, या तो शाम के टाइम तो काफ़ी प्यारा लगता है ये फाउंटेन एंड रात को, अभी तो इतना लाइट से सब काफ़ी कम कर दिया है, ये योगा डेस्क बनाया हुआ है। शाम के टाइम तो लाइट से लोग ने काफ़ी कम कर दिया है, रात के टाइम पे नहीं तो शाम के टाइम तो और प्यारा लगता है ये गार्डन। मतलब मन करता है कि यहाँ पे आके वॉक करो, बट यही होता है शाम को हमारे ऑफिस के वजह से हम लोग आ नहीं पाते हैं, इसलिए रात को ही थोड़ी देर के लिए निकल जाते हैं वॉक करने के लिए, माइंड फ्रेश हो जाता है बस, और कुछ नहीं यहाँ पर। रात के बज रहे 3, मैं बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके उठी हूँ, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, आज ऑफिस का काम भी मैंने ढंग से किया नहीं है, बस थोड़ी सी भूख लग रही थी, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, तो सोची पवन का भी शिफ्ट अभी ओवर होने वाला है तो सोच रही हूँ पहले बनाना शेक बना के थोड़ा पी लेती हूँ फिर थोड़ा वॉक करके सो जाऊँगी, देखते हैं कल ऑफिस का काम कर लेंगे। हेलो, एक्चुअली कल मेरा ब्लॉग, कल नहीं आज मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया था एंड पवन आज ऑफिस गए हुए एंड मैं अपने लिए बना रही हूँ ओट्स। मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें चॉप कर ली है, प्याज टमाटर मिर्ची धनिया एंड ये वाला ओट्स का एक पैकेट निकाल लिया है, तेल गरम करने रखा है, अभी मैं ओट्स बनाने जा रही हूँ। ओट्स को खा भी लिया था एंड अभी बज रहे हैं 12 रात के, थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और घर में कुछ ऐसा अवेलेबल था नहीं, मैंने सोची सूजी का हलवा बना लेती एंड दिस इज़ माय सूजी का हलवा रेडी, एंड दिस इज़ माय सूजी का हलवा रेडी।
थोड़ा सा पवन के लिए भी रख दिया है, देखते हैं अभी पवन रात को आते हैं। पवन ऐसे बोल के गए कि उनको सैंडविच खाना है, तो रात को सैंडविच बना लेंगे और एक ग्लास जूस, क्योंकि आज सुबह से कोई जूस नहीं पिया है, मतलब सिर्फ कोकोनट वाटर पिया है एंड संतरा एक खा लिया था। पर देखती हूँ रात को जूस बना लूँगी, अभी फिलहाल के लिए मैं ये हलवा खा लेती हूँ। पवन पवन आ चुके हैं एंड पवन ने सोया चाप बिरयानी लाया है हमारे लिए, और वो मैंने हलवा जो बनाया था वो मैंने पवन को दे दिया थूक से। दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइज, अभी हम दोनों सोने जा रहे हैं एंड कल हमें सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि कल हम कहीं जा रहे हैं, वो आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड पवन भी अभी सो चुके हैं। So, if you guys like my videos, like, share and subscribe to my channel. Bye bye. मेरा दिखाई नहीं तू कि सोचूंगा।